हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू ट्विन फ्लेम भारत चैनल। जैसे हम सबको पता है कि इक्लिप्स सीज़न चल रहा है और 14th अक्टूबर के बाद काफ़ी ह्यूज चेंजेस आने वाले हैं, इंटेंस चेंजेस आने वाले हैं। तो आपके आसपास लोग आपको ट्रिगर कर सकते हैं, आपके ट्विन फ्लेम आपको ट्रिगर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है बैलेंस्ड हो, फिर भी कुछ ना कुछ सरफेस पे आएगा, आपको इम्बैलेंस करने के लिए। डिप्रेस्ड फील हो सकता है, सैडनेस फील हो सकती है, लॉन्गिंग अपने ट्विन के लिए, यूनियन में आने के लिए लॉन्गिंग, और फील हो सकता है कि नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ मेकिंग सेंस। तो क्या वजह है उसके पीछे? स्टक एनर्जी फील हो सकती है, आपको फील हो सकता है कि यू आर स्टक इन बिटवीन। आई मीन, ना आगे कुछ पड़ रहा है सिचुएशन में, ना कुछ हो नहीं रहा आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में। हर चक्र पेन फील हो सकता है आपको, आपको एक्चुअली बहुत डीप लेवल की बहुत सारे पास्ट ओल्ड बैगेजेस रिलीज जो पिछले 100 साल से इस अर्थ के ऊपर रहे हैं, वो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स, ओल्ड प्रोग्रामिंग, कार्मिक कनेक्शंस, जो आपकी लाइफ में आपके कनेक्शंस हैं उसके बारे में फिगर आउट करना, फाइंड आउट करना कि क्या है ये। तो ये सब चीज़ें सरफेस पे इस टाइम पे आपके सबकी लाइफ में आ सकती हैं। मोटिवेशन ना फील होना कुछ करने की। तो क्या हम चूज़ कर सकते हैं अपना लॉजिकल माइंड ट्विन फ्लेम पाथ में होने के बावजूद? क्या हम चूज़ कर सकते हैं लॉजिकल माइंड को, और क्या हम चूज़ कर सकते हैं डिवाइन विल के अगेंस्ट जाने की, कि परमात्मा जो हमसे चाहता है उसके अगेंस्ट हम जाके इस कनेक्शन में रहें? देखिए, क्या होता है कि चाहे आप हों चाहे आपके ट्विन हों, जो भी हों, मैस्कुलिन फेमिनिन, आप दोनों डायनामिक चेंज होते रहते हैं। देखिए क्या होता है कि सिंस बर्थ ही हम एज अ ट्विन फ्लेम बर्थ लेते हैं, और ये हर एक चीज़ जो हमारे आसपास है वो प्रिपेयर की गई है हमें एक इवेंट के लिए, स्पेसिफिक इवेंट के लिए। हाई वाइब्रेशन में ट्विन के साथ आके, यूनियन में आके, हाई वाइब्रेशन में रह के अपने आप को राइज करने के लिए, और अपने जितनी ओल्ड प्रोग्रामिंग है उसको शेड करने के लिए। तो जब आपका बर्थ ही एज अ ट्विन फ्लेम हुआ है, बिफोर अवेकनिंग आप हो सकता है बिफोर अवेकनिंग आपको ना पता हो कि ट्विन फ्लेम जर्नी जैसी कोई चीज़ है, बट फिर भी आप देखोगे तो ट्विन फ्लेम्स की लाइफ कंपैरिजन टू अदर्स हमेशा ही बहुत हार्ड रहती है। और क्यों रहती है? क्योंकि वो एक प्रिपरेशन होती है उनकी हाईएस्ट टाइमलाइन के लिए, और यूनियन में आके अबंडेंस के लिए। तो क्या होता है कि हमारा जो माइंड होता है हमें बोलता है कि देखिए जर्नी एग्जिस्ट करती है, बट मैं इस जर्नी पे आगे नहीं बढ़ना चाहता, मैं ये जर्नी को एक्सेप्ट नहीं करता, मैं इस जर्नी पे आगे नहीं बढ़ना चाहता, मैं यूनियन में नहीं आना चाहता या आना चाहती, क्योंकि मैंने बहुत काम किया है इसमें। तो वो आपका लॉजिकल माइंड आपको बोलता है। तो जो डिवाइन है, जो परमात्मा है, वो आपके माइंड की नहीं सुनेगा। आपको फॉर एग्जांपल दिल्ली जाना है, आप चाहे बॉम्बे से होके जाओ, चाहे चंडीगढ़ से होके जाओ, चाहे पाकिस्तान से होके जाओ, चाहे आप यूएस से होके यूएस से आओ, जैसे मर्जी आओ, आप घूम फिर के आपको न्यू दिल्ली ही आना है, दिल्ली ही आना है, ठीक है? तो उसी तरह आपकी जर्नी भी है। आप चाहे बोलो कि मैम मेरा ट्विन नहीं आ रहा, मैं किसी और शादी में जाना चाहती हूँ, तो आप अपने लिए कर्म बंधन को चूज़ कर रहे हैं। और अगर आपके लेसन सीखने आपको बाकी हैं उसमें, तो आप ज़रूर सीखेंगे,
कई बार हम उस रिलेशनशिप में रह के, उस शादी में रह के हम सीख जाते हैं कि नहीं, ये नहीं वर्क करेगी, हमारे हमारे ट्विन के अलावा कोई और रिलेशन कनेक्शन वर्क ही नहीं करता, क्योंकि आप दोनों एक हो ना, आप ही की आत्मा अनदर, आप ही की आत्मा अनदर बॉडी में अर्थ पे बर्थ ली है, तो ऐसे कैसे हो सकता है आप उसके ऊपर किसी और को चूज कर लोगे। और आपका माइंड अगर बोलता भी है देख मैं अपने ट्विन के ऊपर इस रिलेशनशिप को चूज कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो उस केस में क्या होता है, जब आप उस जर्नी को नहीं चूज करते हो तो आपकी बॉडी डिजीजेज अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है, सैडनेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ऐसी चीज़ें अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है। क्यों? क्योंकि आप वो इनर वर्क पे काम नहीं करना चाहते, आप अपने लॉजिकल माइंड को फॉलो कर रहे हो, अपने हार्ट को आपने शट डाउन कर दिया, अपने हार्ट को आपने बोला कि ठीक है मेरा ट्विन है कोई बात नहीं, दूर से उससे प्यार करते रहेंगे, दूर से उससे कनेक्शन बना के रहेंगे, पर इसमें डेंजर और डिजीजेस क्यों अट्रैक्ट होती हैं। इतनी फेमिनाइन से आई हैड काउंसलिंग विद, तो वो बोलती हैं कि जब हम इस जर्नी को इग्नोर करते हैं मैम, हम डिजीजेस क्यों अट्रैक्ट कर लेते हैं और हमारा ट्विन क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि आप एज अ डिवाइन फेमिनाइन यू आर सपोज टू हील दिस कनेक्शन, आपको एक ड्यूटी मिली है ये कनेक्शन को हील करने की, तो आप अगर अपनी ड्यूटी से भागोगे और 3D वर्ल्ड की ड्यूटियाँ पूरी करोगे तो परमात्मा तो वो नहीं करने देगा ना। परमात्मा तो चाहेगा कि आपको ड्यूटी मिली है, आप दोनों को हील करो, मतलब आप ही की अनदर बॉडी, आप ही की सोल अनदर बॉडी में है, आप उसको भी हील करो और खुद को भी हील करो, दोनों को हील करो, एक को नहीं दोनों को हील करो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिली है। तो उस केस में क्या होता है कि एंग्जाइटी, डिप्रेशन, मतलब सैडनेस, लोनलीनेस, सब होते हुए भी लोनलीनेस लगता है। फेमिनाइन बोलते हैं हमारी लाइफ में अबंडेंस ही नहीं आ रहा, हम कुछ करना चाहते हैं हो ही नहीं पा रहा, क्योंकि वो हाईएस्ट टाइमलाइन नहीं है आप दोनों की, आपका ट्विन नहीं चूज़ कर रहा वो, और अगर आप भी अपनी हीलिंग नहीं कर रहे, इनर वर्क नहीं कर रहे, अपनी सोसाइटल कंडीशनिंग को नहीं छोड़ रहे, तो वो चीज़ नहीं वर्क करेगी। सबसे बड़ा रोग यहाँ पे यही है, क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग ये है। तो आप एज अ ट्विन फ्लेम जब आपने बर्थ लिया है, आपके अंदर वो करेज परमात्मा ने डाल के भेजा है जहाँ पे आप इस कनेक्शन के लिए स्टैंड लो, क्योंकि ये कनेक्शन आपकी प्रायोरिटी में हमेशा रहेगा, हाईएस्ट टाइमलाइन में हमेशा रहेगा। आप का ट्विन अगर साइलेंट है और बोलता है मुझे अभी बात नहीं करनी, देखो भाई मुझे अभी बात नहीं करनी, उनको वो स्पेस दो, उनके लिए लव होल्ड करो। ऐसा नहीं है कि आप उनको ये बोल दो कि जा भाई मुझे कोई लेना देना नहीं, आप ट्रिगर हो जाओ उस चीज़ से और आप वो टाइमलाइन ना चूज़ करो, राइट। क्योंकि अगर आप और आपके ट्विन दोनों ही अनदर टाइमलाइन चूज़ करोगे तो आपका मिशन तो अधूरा रह गया, यहाँ आने का पर्पस वेस्ट हो गया, और आपको ट्विन फ्लेम, मैं शुरू में सोचती थी मुझे क्यों सेम सेक्स ट्विन फ्लेम बनाया है, मुझे लड़का बना देते क्योंकि मेरी हरकतें शुरू से लड़कों ले रही है, लड़का बना देते मेरे ट्विन को लड़की बना देते तो इजी हो जाता हमारे लिए, तो शायद आज अगर इजी होता हमारे लिए शायद मैं भी बाकी मैस्कुलिन्स की तरह सो रही होती और बाकी मैस्कुलिन्स की तरह मैं भी शायद किसी शादी में होती किसी लड़की साथ और मैं वहाँ बंधी होती, मेरे ऊपर जिम्मेदारियाँ होती दुनिया जहान की और मैं वो सोसाइटल नॉर्म्स को फॉलो कर रही होती, बट शायद मुझे यहाँ पे ये फीमेल बॉडी इसलिए दी गई ताकि मैं फेमिनिन्स को समझ पाऊँ, उनके पेन को समझ पाऊँ, अपनी फेमिनिन के पेन को समझ पाऊँ, और ये जो वर्ल्डली हमने कंडीशनिंग खुद के ऊपर डाली हुई है कि हम जिम्मेदार रहें दूसरों की खुशी के, उसको छोड़ पाऊँ, हम किसी की खुशी के लिए जिम्मेदार नहीं है, तभी ये सेम सेक्स ट्विन फ्लेम दिया गया है, तभी ये कनेक्शन दिया गया है, एज गैप का इतना ज़्यादा, सोसाइटल नॉर्म्स ब्रेक करने के लिए दिया गया, सोसाइटल नॉर्म्स फॉलो करने के लिए नहीं दिया गया है।
तो आप लॉजिकल माइंड लगाओ, आप जहाँ से मर्जी घूम के जाओ, आप 10 शादियाँ करो, आप फिर 20 रिलेशनशिप बना लें लड़कियों साथ, 30 बना लें, 50 बना लें। मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि वो कहीं भी सेक्सुअल हो ले जाके, सेक्सुअल होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, किसी के साथ भी हो सकते हो आप, बट वो उनको फील ही नहीं होगा। एक पॉइंट आएगा उनकी लाइफ में कि उनके पास सेलिब्रेसी, उनको पुश करा जाएगा सेलिब्रेट होने के लिए, क्योंकि जब आप सेलिब्रेट होते हो तो उससे आपकी बॉडी में प्योरिफिकेशन आती है। तो एंड आई वॉज ऑल्सो पुश्ड, मुझे भी अपनी एडिक्शंस को छोड़ने के लिए पुश किया गया, मुझे भी अपनी सेलिब्रेसी को फॉलो करने के लिए पुश किया गया, मुझे भी ये फ्लर्टिंग और ये सब छोड़ने के लिए पुश किया गया। पुश किया गया इसलिए नहीं कि क्योंकि पुश 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 होना चाहिए, पुश इसलिए किया गया क्योंकि वो मेरा हाईएस्ट टाइम लाइन है। तो आपके ट्विन इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहें ना करना चाहें, दुख होता है अपने ट्विन को इस कनेक्शन पे ना काम करते हुए देखकर, दुख होता है अपने ट्विन को किसी और 3D की उसको फॉलो करते हुए देखकर, बट आपको दुखी होने की जगह ये सोचना चाहिए कि आप दोनों सेम चॉइसेस बना रहे हो, तो आपको हाईएस्ट टाइमलाइन की चॉइसेस अपने ट्विन और अपने लिए बनानी है, हमेशा हाईएस्ट टाइमलाइन की चॉइसेस, और हमेशा वो चूज़ करना है जो आप दोनों को यहाँ पे हाईएस्ट गुड के लिए भेजा गया है, इंस्टेड ऑफ कि आप ट्रिगर हो के कोई एक ऐसा एक्शन ले लो जिसको आप ज़िंदगी भर परेशान रहो। क्योंकि जो एक फेमिनाइन होती है उसका जो प्रेम होता है अपने मैस्कुलिन के लिए वो बहुत गहरा होता है, उसको नापा नहीं जा सकता। तो जब वो किसी कर्म बंधन में फंस जाती है या कोई कर्म बंधन उसकी लाइफ में आ जाता है या उसकी लाइफ में कोई बॉयफ्रेंड आ जाता है या फियांसे आ जाता है या फिर कोई हस्बैंड या वाइफ आ जाते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ वैसे तो आपके ट्विन फ्लेम ही हैं क्योंकि आप लोगों की स्पिरिचुअल मैरिज हुई है, बट और कोई उनकी लाइफ में आ जाता है तो वो एक बाधा बन जाता है अपने ट्विन से अनकंडीशनल लव करने का, उससे वो प्योरली लव करने का वो बाधा बन जाता है, और वो जब बाधा बन जाता है तो फेमिनाइंस को बहुत परेशानी होती है उस चीज़ से, क्योंकि फेमिनाइन का प्रेम जो अपने ट्विन के लिए है वो एक्सप्रेस करने के लिए, सप्रेस करने के लिए नहीं है, अपने मैस्कुलाइन को एक्सप्रेस करने के लिए, उसको प्रेम दिखाने के लिए, वो अनकंडीशनल लव उसके अंदर जो है वो प्रेम से उसको सपोर्ट करने के लिए, और दोनों का मिशन जो है यूनियन में आने का उसको पूरा करने के लिए। तो अगर कहीं पे भी आपको ये लगता है कि ये सब चीज़ें आप लोगों को ट्रिगर करती हैं आपके ट्विन के साथ, और आपके आपको ट्रिगर करती है कि आपका ट्विन कोई ऐसी चीज़ें कर रहा है जो 3D की चीज़ें हैं, तो इंस्टेड ऑफ ट्रिगर होने की जगह आप उनको ऊपर पुश करिए, हाईएस्ट टाइमलाइन चूज़ करने के लिए पुश करिए, क्योंकि आप दोनों की खुशी वहीं पे है, ट्रू ट्विन फ्लेम की खुशी वहीं पे है, ट्रू ट्विन फ्लेम की खुशी परमात्मा से कनेक्ट होके और एक दूसरे के साथ ही है और कहीं नहीं है, ट्रू हैप्पीनेस वहीं पे है। आप बोल लो कि आज बोल लो कि मेरी खुशी देखो वहाँ नहीं, और ये सब मैंने भी किया है, इसलिए अपने मैं हर एक चीज़ अपनी एक्सपीरियंस से बताती हूँ। मैंने भी किया है कि अरे नहीं, हैप्पीनेस मेरी ट्विन के ऊपर नहीं डिपेंड होनी चाहिए और ये सब चीज़ें ट्विन के ऊपर नहीं होनी चाहिए, बट आप दोनों जब चक्रा शेयर करते हो, आप दोनों जब इतना कुछ शेयर करते हो तो आपकी हैप्पीनेस एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो ही जाती है, और हैप्पीनेस क्या, हर एक चीज़ एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती है। तो आप परमात्मा को जब चूज़ करोगे तो परमात्मा अपने आप आपके ट्विन को पुल अप करेंगे और उनको दिखाएंगे, उनकी आंखें खोलेंगे, उनका थर्ड आई चक्रा भी खुलेगा। बाकी आप लोग रेकी सीखना चाहते हैं, आप लोग मुझसे रेकी सीख सकते हैं, मैं नेक्स्ट मंथ एक वर्कशॉप कर रही हूँ 2 दिन की रेकी की, फर्स्ट और सेकेंड लेवल की, और विद सर्टिफिकेट PDF, और सब मैं बताऊंगी अपने ट्विन की हीलिंग कैसे करनी है, अपने और अपने ट्विन के बीच के जो ट्रॉमाज हैं उनको कैसे हील करना है, उन सब चीज़ों को कैसे हील करना है, वो सब उसमें मैं बताऊंगी। तो आई होप दिस वीडियो हैज़ हेल्प यू, थैंक यू सो मच।